से ये दिव्यांगों का सम्मान भी आज करेंगे। आज ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हम लोग पहुंचे हैं सूरत में, सूरत में जहां पर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट है और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से ये ट्रस्ट बना है और पूरे दुनिया भर के दिव्यांग बच्चे यहां पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं। उन्हें बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उन बच्चों को जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उनको सिखाया जाता है। और आज दिव्यांग दिवस है तो इसका सेलिब्रेशन करने के लिए बच्चे आए हैं और सभी लोग जो है इकट्ठा इस स्कूल के प्रांगण में बैठे हुए हैं और अभी इंतजार है विशेष मेयर जी का, तो उनके आते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगा। तब तक मैं चाहूंगा हमारे जो कनुबाई हैं ट्रस्ट के ओनर, उनसे हम लोग बातें करते हैं। आप उन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं। कनुबाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, आज दिव्यांग दिन है, पूरे भारत में आज दिव्यांग दिन मना रहे हैं। माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज का दिन दिव्यांगों के लिए सुवर्ण अक्षर से लिखा जाता है कि पहले विकलांग कहते थे, आज विकलांग नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी ने नया नाम दिया है दिव्यांग, और पूरे भारत से आज दिव्यांगों का सम्मान भी करने के लिए आज राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से भारत के सभी दिव्यांगों का जिसने बहुत कार्य किया है, सबके लिए प्रेरणादायी है, उनका आज सत्कार समारंभ भी अभी दिल्ली में विज्ञान भवन में 12 बजे चालू होएगा और समग्र दुनिया वाले देखेंगे कि दिव्यांग विकलांग ये बहुत अद्भुत शक्ति है, वो दिव्यांग बन के जीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए मैं सभी को वंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी दिव्यांग कोई मुश्किली में ना रहे। थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक। रमेश भाई आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कनु भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किया। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अनुज जी उनसे भी बात करिएगा आप, और कुछ बच्चों से हम लोग बात कराना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अभी आपका जो है मुलाकात चिराग भाई से भी कराना चाहूंगा। चिराग भाई को बुलाइए एक बार, और यहाँ पर पूरे बच्चे जो है ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि एक एक करके उनके स्टाफ से भी मैं आपकी बात कराने वाला हूँ। आप लाइव सुन रहे हैं सूरत से विशेष डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बस इंतजार है मेयर साहिबा का और सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कनुबाई भी बीच में सेंटर पर बैठकर जो है उनका इंतजार ही कर रहे हैं और वो खुद एक डिसेबल व्यक्ति हैं और उनको पता चला कि भाई मैं इतना मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा ये उन्होंने जाना और समझा। तो ऐसे में उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके गुजरात में जो है एक छोटे से मुहिम के साथ, अभियान के साथ उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद ये पूरा जो है आप जो डिसेबल ट्रस्ट का जो सुंदर प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो हम सभी जहां पर दिव्यांग बच्चे आकर अपना विशेष पढ़ाई भी करते हैं और अपना करियर भी ऐसे उन्होंने बनाया है बहुत सारे लोगों ने। तो कनु भाई का जो सुपुत्र है चिराग भाई, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तब तक कनु भाई आप बताइए कि इस ट्रस्ट में क्या क्या हो रहा है और आप कैसे जुड़े, आपके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी रमेश जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आबू से स्पेशल यहाँ पे हमारा कार्यक्रम लेने के लिए आए, तो उसके लिए पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि आज विश्व दिव्यांग दिन है तो मैं सभी को पहले शुभकामना ये देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे 1 से 12 स्टैंडर्ड की स्कूल है, BCA कॉलेज है और लड़की और लड़का लड़के लोगों के लिए स्पेशली हॉस्टल है, अस्पताल है और हर जगह की फैसिलिटी यहाँ से प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल फीस हम नहीं चार्ज करते कोई भी बच्चों से, मतलब खाना भी यहाँ पे फ्री है, हर सब कुछ फ्री है। तो इस प्रकार से एक्टिविटी हो रही है और जो आज विश्व दिव्यांग दिन है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो यहाँ पे सभी बच्चे जो है वो उन्होंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी सारे बच्चे मतलब व्हील चेयर रेसिंग कर रहे हैं,
काफी कैलिपर्स रेसिंग हो रहा है, फिर बास्केट बॉल थ्रोइंग हो रहा है, ऐसी कुछ काफी सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं हमारे बच्चे। और हमारे बच्चे काफी, मतलब हमारी संस्था में 29,000 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए और काफी सारे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। और अभी भी 400 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका पूरा श्रेय हमारे जो प्रेसिडेंट है संस्था के, डॉक्टर कनु भाई टेलर, जिनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2011 में प्रतिभा पाटिल के हाथों से, तो उनको जाता है क्योंकि वो खुद दिव्यांग है। वो खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने मतलब जिंदगी में ऐसा सोचा कि मेरे को जो भी तकलीफ हुई वो मेरे जैसे किसी भी भाई बहन को तकलीफ नहीं हो, उस हिसाब से ये संस्था चालू किया था 1997 में 4 बच्चों से। और आज मानोगे नहीं, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। जी कनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर विशेष रूप से काफी समय से सेवा कर रहे हैं। और खास मैं चाहूंगा कि हाल ही में जो बच्चे अपने यहाँ स्कूल छोड़ के अपना करियर बना रहे हैं, उनके एक दो बच्चों के बारे में बताइए जो स्पेशल खास सेवा में है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे बताया पहले कि 29,000 बच्चे यहाँ के लाभ लेके निकल चुके हैं और काफी सारे बच्चे मतलब डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, फिर सचिवालय में गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी जॉब कर रहे हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में बोल सकते हो कि हर एक क्षेत्र में हमारा बच्चे है ही। मतलब तो मैं ये बताना चाहता था। जी जी, कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि आप उनको मिल भी सकते हैं ऐसे कुछ बच्चों के बारे में। जी जैसे मतलब हमारे यहाँ से जो भी बच्चे निकल गए, मतलब काफी सारे बच्चे डॉक्टर्स बन गए, तो यहाँ पे भी मतलब जो दूसरे उनके भाई बहन जो भी रहते हैं मतलब छोटे बच्चों के लिए सेवा में भी आते हैं, इंजीनियर्स बन गए वो भी मिलने के लिए आते, तो हमको भी बहुत गर्व होता है। हम कहीं पे भी जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते तो वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो हमको भी नहीं पता रहता है, तो हम जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो सामने से बच्चे मिलने के लिए आते हैं। तो मतलब मेरे को भी पर्सनली अनुभव है, हमारे प्रेसिडेंट को तो बहुत सारे अनुभव है। जी जी जी, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे काफी सारे क्षेत्र में पहुंच गए और हमें गर्व होता है ये बात से। चिराग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और मैं चाहूंगा कुछ एक बच्चे को जो यहाँ यहाँ हमारे साथ लेकर आइए तो हम बच्चों से भी बात करना चाहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिराग और उनके बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग अभी बच्चों को भी देखेंगे और उनके साथ में बातचीत भी करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि आप उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद आपके जीवन में भी एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जिनके पास सब कुछ है तो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और जिनके पास शरीर के अंगों में से कई बाधा है, मुश्किलें हैं, चल नहीं सकते या हाथ उठा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कितनी सारी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ के टीचर्स साहब, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा और आपकी बात कराना चाहूँगा। तो आइए, मेरे साथ एक विद्यार्थी आ रही हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे। और देखिए, आप हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, आप अपने बारे में बताइए। मैं यहाँ 5-6 साल से अभ्यास कर रही हूँ। मैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ संचालित दिव्यांग बालकों की शाला में अभ्यास कर रही हूँ। यहाँ के हमारे डॉक्टर कनु भाई टेलर साहब है जो हमें सभी सुख सुविधा देते हैं और हमें कोई भी कमी यहाँ महसूस नहीं होती। तो आप यहाँ क्या क्या सीख रहे हैं? यहाँ हम पढ़ाई के अलावा दूसरी अदर एक्टिविटीज होती है उसमें भी पार्ट लेते हैं और हमें यहाँ कोई भी काम में कभी पीछे नहीं रहने। तो अभी यहाँ आने के बाद आप जैसे घर में थे तो चलिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं? यहाँ हम सब दिव्यांग हैं और एक दूसरे को देखकर यहाँ हम सब कुछ सीखते हैं और हम एक दूसरे की सभी काम में हेल्प भी करते हैं और इससे हमें अकेलापन नहीं महसूस होता और यहाँ हमें अपनापन ही लगता है। यहाँ के हमारे टीचर्स हैं, हमारे कनु साहब हैं जो जिनके साथ हमें हमारे फैमिली के जैसा ही अनुभव होता है और हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। अच्छा,
तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर? हाँ, मैं अभी तो 12th क्लास में अब जस्ट पढ़ रही हूँ और आगे जाके मुझे IAS ऑफिसर बनना है, जिसके लिए मैं मेहनत तो करती हूँ अभी से। अच्छा, और आगे जाके मैं वो बन के दिखाऊंगी। क्या बात है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम क्या है? नाम स्नेहा। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और 12वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ आने के बाद आपने काफी कुछ सीखा और अपने ही हम सफर जो साथी हैं, जो दिव्यांग है आपकी तरह ही, तो उन सभी को देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका दिव्यांग कितना परसेंट वगैरह क्या बताते हैं? मैं वैसे तो 90% दिव्यांग हूँ और मेरे दो हाथ नहीं है, पर मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरे दो हाथ नहीं है। यहाँ आकर सबको देखकर मुझे भी हौसला मेरा बढ़ता है और मैं दोनों हाथ से लिखती हूँ और मेरे सब भी काम मैं अपने खुद से ही करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आपका जो ड्रीम है IAS बनने का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और आप एक एग्जाम्पल बने सबके लिए, एग्जाम्पल बने आप दुनिया के सामने, ऐसी मेरी शुभकामना। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरे विद्यार्थी से भी आपको जोड़ना चाहूंगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ आप सभी बच्चों के अनुभव सुनकर जो है फील कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक और विद्यार्थी मेरे साथ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी और रेडियो पे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। तो रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी हमारे श्रोता मित्रों को सूरज भाई एंड कंपनी, हमारे बहुत सारे सूरज भाई नाम से जो लिसनर्स हैं वो सुनते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। और साथ में सुभाष भाई है और फिरोज भाई है और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको हम लोग सुनते हैं दानेरा और यहाँ वहाँ से जो है कोटरा से सुनते हैं आप सभी लोग, अब रोड से सुनते हैं और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पास में जो है झाड़ोली वहाँ से भी आप फोन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मीना भी हमसे बात करती है और साथ में दयाराम जी, ये सारे लोग हमारे कोपाराम जी सभी बड़े प्यार से सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आइए अब मैं एक और विद्यार्थी से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा जो दिव्यांग है और यहाँ पर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट में अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका बेटा? बहरे राज। बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या क्या सीख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 10वीं धोरण सीख रहा हूँ। मैं यहाँ पे 8वीं धोरण से आया था। हमारे जो प्रमुख श्री कन्हु भाई टेलर है वो हमको किसी भी चीज की कमी नहीं पूरी करने कमी नहीं पढ़ने देते, वो हमारी सारी जरूरियातें पूरी करते हैं। वो ये जो मेरा पैर विकलांग है वो इसके लिए वो यहाँ पे कैंप भी योजते हैं जिसमें मेरा कृत्रिम पैर वो बनाया जाता है और वो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कन्हु भाई टेलर को, आप देख रहे हैं जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है और अभी कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है।
अभी ज्योति जगाएंगे और बड़े के ऊपर बच्चों ने ढोल के साथ उनका स्वागत किया। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो में हरतु पापं तस्मात् दीपं प्रपूजये चंद्रमा मनसो जात कक्षो हो सूर्यो जायत इनका नाम क्या है अभी जो आए अभी जो आए इनका इनका नाम क्या नाम नाम मुझे नहीं पता दोस्तों आप अभी देख रहे हैं आ गई है मेयर सूरत की तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पे बैठ गए हैं साथ में और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है विधिवत आप इसे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं आप माननीय संरक्षक जिला वन विभाग अधिकारी श्रीमान आचार्य श्री दिव्याबेन आमंत्रित मेहमान शिक्षकों आप सब आज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करो छो कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु स्मरण थी करी छु जेना साधो छे इतनी करती मे जेना दादा Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में है। इस अंदर प्रार्थना से क्या है પશ્ચિમ ગુજરાત ના વડા શ્રી સાનેપલા સાહેબ આ સંસ્થામાં આજે પેલા વિકલાન કહેવાતું હતું, પણ લોકલાડીલા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જોયું અને કહ્યું કે વિકલાન શબ્દ રાષ્ટ્રપતિ સન્માન પણ કરવાના છે। આ સંસ્થામાં અમારા પ્રિન્સી ભારે દિવ્યાંગોની અનેક રમતોનું આયોજન કરેલું છે। આ સંસ્થાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ હોય એમાં જ્યારથી અમારી જે મેયર બન્યા છે ત્યારથી આ સંસ્થા સાથે તેઓ જોડાયેલા છે। એમની સંવેદના એટલી છે કે મેયર બંગલો બન્યો આ શહેરમાં પહેલી વાર, તો એમનો સામેથી ફોન આવ્યો કે હું મારા દિવ્યાંગ નાના નાના બાળકોને બોલતા હોય કહીને આ બંગલામાં હું ગૃહપ્રવેશ કરીશ। હું જાણું છું, ઈચ્છું છું કે તેઓ અનેક મોટા નેતાઓને બોલાવી શકે, પણ પહેલો પગ મારા દિવ્યાંગ બાળકો દિવ્યાંગ દીકરીઓને લઈ એમના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો અને સાથે માથે હાથ મૂકી એમને જમાડ્યા। આવા સંવેદનશીલ દયાળુ આ શહેરમાં મેયર છે એટલે હું એમ ઈચ્છું છું। હું જાણું છું કે આ શહેરનો વિકાસ ની નોંધ સમગ્ર દેશમાં થાય છે। હજુ ગઈકાલે મારી સાથે વાત થઈ, એમનો ફોન આવ્યો કે કનુભાઈ દિવ્યાંગ દિવસ છે તો આપણે શું કરવાનું છે, બેન હું તમને ફોન જ કરતો હતો, આપનો ફોન આવ્યો અમારા ત્યાં આજે ઘણા બધા પ્રોગ્રામો છે, 7 વાગ્યા સુધીના કાર્યક્રમો આયોજન કરેલું છે। હું વધારે નથી કહેતો, પણ હું એટલે એ મહાનુભાવ સન્માન કરું છું આ વન ખાતાના વડાશ્રી, ખૂબ ધાર્મિક છે, મેં એમને વાત કરી, મેયરશ્રી આવવાના છે તો એમને મને કીધું પ્રભુભાઈ હું બાળકોના દર્શને અને મેયરશ્રી ના દર્શને હું ચોક્કસ આવીશ, પણ મને એમની બાજુમાં મને નથી બેસવું, હું સામે બેસીશ, દેખું નહીં તમે બંધ ખાતાના દક્ષિણ ગુજરાતના વડા છો, તમે આ સન્માન લેવા આવો ને મારા બાળકોને આશીર્વાદ આપો। ગુજ
ज्ञान भगवान कृष्ण सभी का स्वागत हो रहा है। दोबारे अच्छी तरह से मेरे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? सुना नहीं दे। बोली 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 बोली। सभी ट्रस्ट के जो टीचर्स हैं, अपने बच्चों पर देखिए, रेडियो पर देखिए, अपने नाम रमेश भाई अंदर से रमेश भाई करी एक मेयर सिंह ना वरद हस्ते
પ્રતિજ્ઞાપન કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે અત્યારે ગીતાજીનો મહિનો ચાલે છે, તો ગીતા જયંતી નિમિત્તે ડોક્ટર ગોશનબેન તરફથી ગીતાજીની શિક્ષકોને અર્પણ કરવાના છે. તો ગોશનબેનને અને માનસિક વિકાસને હું વિનંતી કરીશ કે આજે વિશ્વ વિજ્ઞાન દિન નિમિત્તે અમારી સંસ્થામાં પણ શિક્ષકો છે, તો તેઓનું સ્વાગત સન્માન કરે. તો તલ્લીકાબેનને વિનંતી કરીશ. बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, अभी बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं उनके साथ आए हुए गेस्ट. बड़ा अच्छा लग रहा है हमें. और सभी बच्चे जो है एक से बढ़कर एक है और सभी यहाँ पर सीख रहे हैं और अपना बहुत ही अच्छा करियर बना रहे हैं. जैसे चिराग जी ने बताया कि उन्होंने कम से कम 30,000 बच्चे जो है इनके यहाँ से अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं. और अभी बच्चों का जो है कल्चरल प्रोग्राम भी हम लोग देखने वाले हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपको. ये दिव्यांग बच्चे जो है हमारे बीच में एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं. आप देख रहे हैं बच्चे, ये सब दिव्यांग बच्चे डांस करेंगे. Thank you.
मुख्य मेहमान माननीय सोनवणे सर जी ने प्रासंगिक उद्बोधन माटे आमंत्रित करी सोनवणे सर जी भारत माता
मेयर केमारी जी जो है खास बच्चों को संबोधन करने की माता के जय घोष। आपको संसार दिव्यांग संस्था ना प्रणय का आपको शहर आपको गुजरात हमने कहूं लगा ना नामे उठे जे परंतु मारा माटे मारा पिता तुल्य एवा तमु दादा आज ना कार्यक्रम में विशेष उपस्थित वन विभाग ना अधिकारी श्री सोनोभाई साहेब संस्था में अनेक दादा श्री वहां उपस्थित छे અને તમામ આ દિવ્યાંગ મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પહેલા તો હું આ કાર્યક્રમમાં આવવા માટે થોડી મોડી પહોંચી છું એ બધા તમામ સૌની ક્ષમા માંગુ છું, માફી માંગુ છું, કારણ કે અન્ય એક કાર્યક્રમો હતા અને અત્યારે ટ્રાફિક પણ સુરત શહેરમાં એટલું છે, મેટ્રોનું કામ ચાલે, ડ્રેનેજનું કામ ચાલે, સુરત શહેરનો વિકાસ કરવાનો છે, એટલે એ ટ્રાફિકને અડચણ પણ થોડું આવવા માટે મોડું થયું। परंतु गई काल थी आजना दिवस ने उजवणी माटे जो कोई कार्यक्रम ने उत्सुकता मने होय ने तो आजना कार्यक्रम नी हती अने एटला माटे हती आ कार्यक्रम मा आवानी उत्सुकता ने तालावेली वधारे एटला माटे हती कारण के एक दीकरी ने पोताना पिता ना घरे जवानुं होय तो स्वाभाविक छे के कोई पण दीकरी होय જયારે પિતાના ઘરે જવાનું હોય ને ત્યારે સવાર થી એનું મન પ્રસન્નતું હોય કે હું ક્યારે મારું કામ પતાવીને વહેલી ત્યાં પહોંચું, અને એટલા જ માટે આજના વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસની ઉજવણીમાં મારા પિતા કનુભાઈ અને એમણે આ કાર્યક્રમને દિવ્યાંગ દિવસ, આખો દેશ આ દિવ્યાંગ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે, પરંતુ સુરત શહેરમાં દિવ્યાંગોને એક અલગ જ પ્રતિનિધિત્વ આપીને દિવ્યાંગોની એક અલગ જ છાપ ઉભી કરીને એમણે સાચા અર્થમાં દિવ્યાંગોની દિવ્યાંગતાને બહાર લાવવાનું જો કઈ કામ કર્યું હોય તે આપણા સુરતના કરુણદાદા છે, આદરણીય દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ આપણે જયારે ભૂતકાળમાં વર્ષો પહેલા જોયા છે કે અપંગો કે જે લોકોને કદાચ પરિવાર પણ સાચવતું ન હોય અને એ લોકો જયારે રસ્તે રખડતા ભીખ માંગતા આપણને જોવા મળે અને એમની આ દયનીય દશા જોઈને નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા પણ આ અપંગોને એમનામાં રહેલી દિવ્યાંગતા બહાર લાવવા માટે અલગ અલગ સંસ્થાઓના માધ્યમથી અને આ દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનોમાં રહેલી અનેક ગણી જે શક્તિ છે એ શક્તિને બહાર લાવવાનું કામ જો કર્યું હોય ખાસ કરીને અહીંયા રમત ગમત દ્વારા પણ દિવ્યાંગોમાં રહેલી જે શક્તિ છે એમનામાં જે આવડત છે કઈ રમતમાં આપણા દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનો આગળ આવી શકે છે એક શક્તિનું પ્રદર્શન પણ આજના કાર્યક્રમ થકી થશે। વિશેષ કરીને થોડા સમય પહેલા જ મારે સુરત મહાનગરપાલિકાની મેયર ઓફિસમાં એક દીકરી જે ખૂબ સરસ યોગા કરે છે તે પણ દિવ્યાંગ દીકરી છે અને એમનું એક એમના પરિવારનું એક એવી રજૂઆત હતી કે બેન દિવ્યાંગોને આપણે પેરાલિમ્પિક ને અનેક અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા એમને એમના રમત ગમતના ક્ષેત્રમાં આગળ લાવીએ છીએ, એમના માટે હું એક અલગ સ્થાન ઉભું કર્યું છે, પરંતુ દાદા આપણે પણ એ જાણાવો કે યોગા એ કેવું છે કે જ્યાં દિવ્યાંગોની કોઈ અલગ વ્યવસ્થા નથી, આ યોગા ક્ષેત્રમાં પણ દિવ્યાંગોની એક અલગ કેટેગરી ઉભી કરવામાં આવે અને એના થકી જે દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનોએ ખૂબ સારા યોગા કરીને દેશમાં પોતાનું નામ રોશન કરી શકે એવા ઘણા બધા આપણે ત્યાં દિવ્યાંગ ભાઈઓ બહેનો પણ છે, હું ચોક્કસપણે આજના દિને આપ લોકોને કહું છું કે આ દિવ્યાંગ યોગામાં પણ એને અલગ કેટેગરી મળે એવા હું મારા પર તરફથી પૂરા પ્રયત્ન કરીશ અને સરકારમાં પણ એની જાણ કરીને આ યોગામાં પણ દિવ્યાંગોની એક અલગ કેટેગરી કરીને એમને પોતાની પ્રતિષ્ઠિતતા અને એમના પોતામાં રહેલી આવડતને ઉજાગર કરવા માટે એક તક મળે એવી હું આપ લોકોને અને સરકાર તરફથી પણ મારા તરફથી રજૂઆત ચોક્કસ કરીશ।
આજના દિને આપ સૌને આજે વહેલી સવારે સુરત શહેરનું વાતાવરણ એકદમ ખુશનુમા ઠંડુ હોય અને પહેલી નાની દીકરી બેઠી છે ક્યાં શાળાથી બોલાતી વાળીને અને પણ એ વિચારે છે કે આ શું છે કાર્યક્રમ છે અને દીકરીના ચહેરાને જોઈને ખરેખર એટલી શાંતિ મળે છે કદાચ 24 કલાકનો થાક ઉડી જાય અને બીજા 24 કલાક આપણને કામ કરવાની એનર્જી મળે એટલી સુંદર દીકરા દીકરીઓ અહીંયા બેઠા હોય ને ત્યારે આજના દિવસે મને ગનુદાદાએ મારા પિતા તુલ્ય પિતાએ આજે મને અહીંયા બોલાવી અને આખા દિવસના કાર્યક્રમ થકી અડધો કલાક એમની સાથે બેસવાની જે મને તક આપીને એ બધા હું ગનુદાદાને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે બસ આવા જ કાર્યક્રમો કરી અને આપણે આપણા બાળકોને મળવાનું તક મળે અને નાના મોટા કાર્યક્રમો થકી અહીંયા દાદાશ્રીઓ દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓને ગીતાનું દાન થયું છે સુરત શહેર પણ એવું છે કે સુરત શહેરનો દરેક નાગરિક એવું ઈચ્છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પરિવાર કોઈ પણ બાળક એને શું જરૂરિયાત છે અને એને કઈ રીતે સહાય કરવાની છે મારું બાળક સમજીને અહીંયા દાદાશ્રીએ પણ એમની લાગણીને વ્યક્ત કરી છે એ બધા તમામ દાદાશ્રીઓને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું કે આ સુરત શહેરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે મારું સુરત શહેર નહીં પણ આપણું સુરત શહેર અને આપણે સૌ આ સુરત શહેરના પ્રથમ નાગરિક છીએ અને દરેક લોકોની ચિંતા કરીને આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ છીએ એટલા જ માટે સુરત શહેર એ વિશ્વના ફલક પર એક આગવું નામ ધરાવે છે એક આગવી પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે અને એનો યશ પણ હું આપ તમામ દાદાશ્રીઓને આપું છું આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દાદાનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને હવે મારા બાળકો કઈ રીતે રમવાના છે એ જોવા માટે અમે ખૂબ જ ઉત્સુક છું એટલે આપણે આગળ વધશું ફરી એકવાર આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ આભાર ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રીને અને રમત ગમત મંત્રી આકાશ સુરતના પણ પત્ર લખી એનું ધ્યાન દોર્યું છે કે આ અંગે પણ થવું જોઈએ આપણે સુરતમાં અને ગુજરાતમાં ચાર દિવ્યાંગો માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સન્માન છે આભાર વ્યક્ત કરવા માટે હું આમંત્રિત કરીશ ટ્રસ્ટી શ્રી મોહનભાઈ નારાયણ यदि कुछ समय के लिए आए और दो मिनट तो हमारे पास भी आएंगे यहाँ पर तो हम लोग उनसे मिलेंगे आप ले लो आपके कैमरे से ले लो आइए आइए आपके कैमरे से ले लो मैं जब तक यहाँ लेता हूँ
तो स्वामी जी अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप में देख पाएंगे। स्वामी जी कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छा, रेस हो रहा है सामने साइड रेस लग रहा है। आप प्रस्थान कहाँ जाएंगे, क्या करने वाले हैं? रेस हो रहा है। सिटी बच गया। कमान, बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। कमान, सिटी बच गया। भागो। ये रेस हो रहा है, रेस का ले लो रमेश भाई। रेस हो रहा है। कनु भाई जीत गएंगे, कनु भाई जीत जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी रेस चालू हो गया है, बच्चे रेस कर रहे हैं और हम लोग जो हैं, मेरे साथ एक विद्यार्थी हैं। और हेलो, क्या नाम है आपका? बेरे राज वसुदेव। बेरे राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए, आप कितने समय से और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और आप कितना विकलांग है और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से समझ रहे हैं। जी, मैं 2019 में यहाँ पे आया था, एसटीडी 8 में मैंने एडमिशन लिया था। मुझे यहाँ पे सब सुविधाएं फ्री में मिलती है। मुझे यहाँ पे सब बहुत लाड़ से सीखा, दोस्त बनाया, बाद में शिक्षकों ने मुझे अच्छे से पढ़ाया, वो अच्छे से मुझे क्या करने का है जीवन में वो सब सिखाते हैं। वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, वो हमें अच्छी तरह से लिखाते पढ़ाते वो सब करते। हमारे श्री प्रमुख श्री कनुभाई टेलर ने हमें यहाँ पे आने के लिए बस की भी सुविधा करवाई है, हमें यहाँ पे मध्याह्न भोजन भी करवाया है। वो हमसे हमारी सब तकलीफों को समझते हैं और उनका निवारण करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं आपका? 60%। तो यानी आपका जो पैर है, एक पैर उसमें जो आप चल नहीं सकते है ना, और अभी उसके लिए आपको जो है विशेष जयपुर का जो फूट है वो लगाया है क्या? हाँ। अच्छा, तो इससे आपको चलना अभी आसान हो रहा है? हाँ। तो ये पैर भी इधर ही कैंप हो जाते हमारे प्रमुख श्री कनुभाई टेलर, ऊपर यहाँ पे एक रूम बनाया उसमें सब ऐसे पैर बनाते हैं। अच्छा, यहीं पर बनाते हैं? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर बना के उसका प्रयोग भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो साथियों आप देखा आपने जो विशेष बच्चे हैं यहाँ पर दिव्यांग बच्चे आते हैं तो उनका परसेंटेज देखिए जिसका हाथ नहीं है पैर नहीं है ऐसे बच्चों का जो है यही पर वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पैर नहीं है उन्हें व्हीलचेयर के सहारे से जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराया जाता है दिखाया जाता है सिखाया जाता है और निश्चित तौर पर बच्चे यहाँ पर अभी रेस कर रहे हैं। आप सभी बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर देखा उनका डांस भी आपने देखा तो बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते जाएंगे निश्चित तौर पे वो बच्चे वैसे सीखते जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है दिव्यांग में सचमुच वो दिव्यांग ही है और उनकी जो है डिसेबल नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा एबल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जो इसके फाउंडर मेम्बर है कनुबाई टेलर ये खुद दिव्यांग है और इन्होंने शुरुआत ही जो है एक छोटे से आंदोलन से किया था। जब मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि मैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने धरना दिया और गुजरात में यहाँ पर मैं एक धरने में बैठा कि हमारे लिए कुछ करे सका। तो बहुत कुछ समय के बाद 10-11 दिन के बाद उनका ऑपरेशन के बाद उनके ऊपर जो है नज़र गई सरकार की और वहाँ उस समय जो नेता थे उनको अपने पास बुलाया और उनकी सारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद फिर पहला काम ये हुआ कि जो गवर्नमेंट बस है उसमें 1-2 सीट जो है हैंडीकैप के लिए रिजर्व ये उनका पहला जो है अचीवमेंट रहा। उसके बाद धीरे धीरे उनको जो है विदेश में ट्रेनिंग के लिए सरकार के द्वारा भेजा गया और वहाँ पर इन सारे दिव्यांगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने एक हफ्ते के लिए गए थे लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके जो है और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अटेंड करने के लिए उनका 3 महीने का टूर बन गया वहाँ से वहाँ ही। और सभी विदेश में जितने भी डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को और उन सारे ट्रेनर्स को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा जाना और समझा। उसके बाद उनको लगा कि भाई ये ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ भारत में भी हो सकता है और इसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आने के बाद उनको बड़ा दिक्कत हुआ कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए सुविधाएँ जो चाहिए था वो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। तो इन्होंने फिर वो सारी अपनी जो विदेश यात्रा का जो अनुभव है वहाँ के जो सर्टिफिकेट्स है वो लेकर एक बैंक में गए और बैंक से उनको जो है पहली एक व्हीकल की लोन मिली और फिर वो गाड़ी से जो है आना जाना करते रहे। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको इस जगह पर बुलाने की कोशिश की और एक जगह बुला के उनको ट्रेन करते थे उनको समझाते थे। तो इस तरह से उनके 2-3 लोगों से ये दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया फिर धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता गया। आप बहुत सारे बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको पूरी तरह से ये ट्रेन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप उनकी कहानी से हम सभी को मोटिवेशन एक प्रेरणा मिलता है कि भाई असंभव कुछ भी नहीं है आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं है ना। तो ये खुद भी व्हीलचेयर पे हैं और सब कुछ जो है इनको साथ में जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं और ये अपने अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं और कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा 1-2 जनों की। तो मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में हम लोग कुछ बच्चों को यहाँ बुला रहे हैं और तब तक आप जो है स्पोर्ट्स का जो अनुभव है वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं। कनुबाई जो है बच्चों को रेस करा रहे हैं देखिए बच्चे घूम रहे व्हील चेयर से रेस कर रहे हैं 1st, 2nd, 3rd ऐसा जो है वहाँ पर हो रहा है तो अच्छा लगता है हमें और बहुत खुशी हो रहा है। देखिए आप बच्चों को जो है बड़े आनंद के साथ यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई जा रही है। ये सुंदर सा ग्राउंड है बीच में ये छोटा सा और उसी ग्राउंड में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है और सामने उसके अपोजिट में आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं बाहर का बिल्डिंग है और लेकिन उसके अपोजिट में ये जो है ये पूरा कैंपस इनका है जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो बच्चे बैठे हैं डिसेबल ट्रस्ट का जो स्कूल कॉलेज है उसी का प्रांगण में ये बच्चे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं। ऊपर 1st फ्लोर से सारा ही जो है इनका स्कूल चलता है ट्रेनिंग चलते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर चलता है। तो आइए एक बार मैं हमारे दोस्त यहाँ पर हैं उनसे भी मैं बात कराना चाहूँगा थोड़ी देर में। क्या नाम है? बैठो इधर बैठ के बोलना।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम वनिया मीनाली है। अनिया? वनिया मीनाली। वनिया, सॉरी वनिया, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 9th स्टैंडर्ड से यहाँ पर पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले आपने बाकी की पढ़ाई कहाँ पढ़ाई की? मैंने कतरगाम में मेरे घर से जो छोटा सा स्कूल था वहाँ पर मैंने 1 से लेकर 9th तक पढ़ाई की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कैसा फील कर रहे हैं, बताइए अपना अनुभव। यहाँ आने के बाद मुझे मेरी सारी जरूरत की चीजें पूरी पूरी की जा रही है, वो हमारा कॉलेज सर है, वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ, यहाँ तक की हमारे पढ़ाई के लिए सारी जरूरत भी वो पूरी कर रहे हैं, हमें कोई भी कमी आने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप क्या बनना चाहते हैं वनिया? मैं बड़ी होती हूँ, मैं बीसीए कॉलेज कर रही हूँ, उसके बाद में कोई बैंक में जॉब करना चाहती हूँ। बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया वनिया। और आपका जो दिव्यांग कितना परसेंट है आप? 50% है। 50% आप दिव्यांग है, ओके ओके। और आप अपना सब कुछ खुद करते हैं? मैं अपना फोन छोटा बड़ा काम मैं अपने आप करती हूँ। हाँ। और मेरे से जो नहीं हो रहा वो मेरे फ्रेंड लोग कर देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी आपने कुछ एक्टिविटीज करने वाले आज आज इसमें नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपको कुछ करना है इसमें, क्या कर सकते हैं? गाना गा सकते हैं ना? मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, और फिर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं आप कुछ पोयम वगैरह? पोयम लिखने लिख सकते हैं ना? पोयम तो आप कुछ लिख तो सकते हैं? लिख तो सकते हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा वनी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जो बनना चाहते हैं वो जल्दी से बने, ऐसी हमारी शुभकामना है, और आप दूसरे लोगों की तरह आप भी बहुत अच्छा करें, ऐसी हमारी शुभकामना। अभी मेरे साथ एक और ब्रदर है, क्या नाम है आपका? सिंह प्रियांशु। सिंह प्रियांशु हमारे साथ है, और बहुत ही अच्छा जो है बोलते भी है, और कुछ रेडियो प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, तो प्रियांशु अपना अनुभव सुनाइए आप। यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए विश्व विकलांग दिवस के लिए यहाँ पे ढेर सारे प्लेस गेम खिलाए जा रहे हैं, जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया है, और जैसा कि मैंने देखा सब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, और मुझे ये दिन बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, इस दिवस ये दिवस को हम खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका दिव्यांग कितना परसेंट है यहाँ? 80% है, तो मना आप चलने फिरने में भी दिक्कत होती है आपको? हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा थोड़ी बहुत, और आप अपना काम खुद करते हैं या आपको सहारा लेना पड़ता है? खुद करता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। 80% दिव्यांग होने के बावजूद भी आप अपना काम खुद करते हैं, और अच्छी तरह से बोलते भी हैं आप, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप अभी? यहाँ 7th क्लास में। और आप क्या बनना चाहते हैं? लॉयर। लॉयर बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रियांशु, आप लॉयर बने और सबकी सेवा करें और सबके लिए आप काम करें, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सूरत में पहुंचे हैं, जहां पर डिसेबल ट्रस्ट जो है गुजरात में, वहाँ के बच्चों से हमने कुछ बातें कराई, टीचर से आपकी बात कराई, वहाँ के ओनर जो है कन्नू भाई से भी आपकी मुलाकात कराई, और उनका लड़का जो है चिराग जो इस पूरे ट्रस्ट को संभालते हैं उनसे भी हमने बातें कराई, और अभी रेस चल रहे हैं, स्पोर्ट्स इनका चलेगा काफ़ी लंबा, तो मैं यहीं पर आप सभी से चाहूँगा इजाज़त, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये फर्स्ट टाइम हमने इस तरह से आपको जो है लाइव प्रोग्राम दिखाया है, और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा होगा समझा होगा,
तो चलिए जितने भी दिव्यांग हमारे भाई बहने हैं उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और उनकी सारी जरूरतें जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और वो सामान्य जीवन जिए और हम सब की तरह वो भी अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें, खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ। और अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कन्नू भाई को और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक संकल्पना की है और आगे चल के इनका संकल्पना ये है कि अभी बच्चों की स्कूल और कॉलेज है तो एक यूनिवर्सिटी दिव्यांग वालों के लिए हो, तो इसके लिए उन्होंने सरकार से जो है प्रोजेक्ट दिया है अपने तरफ से। अब वो अगर अप्रूव हो जाता है तो सूरत गुजरात में दिव्यांग लोगों का पहला यूनिवर्सिटी बन जाएगा। तो चलिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।